धनबाद के गया पुल में जाम की समस्या को लेकर अंडर पास और ओवर ब्रिज के निर्माण को लेकर पूजा रत्नाकर ने सोशल मीडिया पर एक अभियान शुरू की थी। इसका असर हुआ और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के निर्देश पर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य रविंद्र तिवारी धनबाद पहुंचे। इस दौरान धनबाद के अति जाम क्षेत्र गया पुल का निरीक्षण किया, साथ ही कतरास गौशाला गया पुल का भी निरीक्षण किया गया। इसके बाद धनबाद उपायुक्त, डीटीओ और ट्रैफिक डीएसपी के साथ बैठक किए, साथ ही धनबाद परिसदन में पत्रकार वार्ता भी किए, जिसमें कहा कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के कहने पर धनबाद पहुंचे हैं। उन्होंने धनबाद के गया पुल जाम की स्थिति और समाधान के लिए हमें भेजा है। कहा कि सोशल मीडिया और पत्र के माध्यम से मंत्री गडकरी को गया पुल जाम की जानकारी मिली थी। कहा कि धनबाद गया पुल में जल्द दूसरा अंडरपास का काम शुरू हो जाएगा, इसके बाद ओवरब्रिज का निर्माण काम के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कहा कि केंद्र में पैसे की कोई कमी नहीं है, ये गडकरी भी बोल चुके हैं। इस दौरान राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य रविंद्र तिवारी ने नगर निगम और रेलवे को जमकर खिंचाई की। कहा कि निगम सड़क पर पार्किंग नहीं बन सकता है, निगम सड़क पर पार्किंग करवाकर पार्किंग शुल्क ले रहा है जो कि गैर कानूनी है। वहीं कहा कि रेलवे भी काम के नाम पर परिवहन बाधित कर रहा है जो कि गलत है। रेलवे के चलते कतरास गोसारा रेलवे अंडर पास के कारण परिवहन बाधित हो रही है। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी के पास यहाँ के आम जनता और कुछ कंप्लेन करने वाली टीम ने संघ किया था, उनको संज्ञान में आया। तो हम लोग क्योंकि पहले भी 3 साल 4 साल पहले आए थे तो इस मामले को देखे थे, मैं खुद आया था, लेकिन कुछ विविध कारणों से कोविड वगैरह के चलते हम लोग आगे बढ़ नहीं पाए थे। तो आम जनता के सजग नागरिकों को मैं बधाई देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अपनी समस्याओं को कम से कम लोग प्रमुखता से रख रहे हैं, यह अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात यह है कि धनबाद जिले के जो संबंधित अधिकारी हैं, उपायुक्त, जिला परिवहन पदाधिकारी, यहाँ के पुलिस उपाधीक्षक भी आते हैं, आप देखते हैं सारे लोगों का काम काफ़ी संतोषप्रद है। और इनके मांग पर इन लोगों ने काफ़ी आगे बढ़ के उसमें अंडरपास से लेकर बहुत सा जो तात्कालिक समाधान हो सकता था उस पर इन लोग काफ़ी आगे बढ़े। इसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई कि हमको आने के बाद जो 0 से शायद शुरू करना पड़ता, हम तो ये सोचे थे, लेकिन आए तो हम देखे कि ये लोग 100% बधाई के पात्र हैं, बहुत अच्छा आगे काम किए हैं। और जो बाकी भी समस्याएं हैं, कब से चालू काम हो जाएगा सर अंडरपास? देखिए अंडरपास हमें जैसा कि अभी इंजीनियर्स वगैरह बताए, DPR वगैरह जो प्रोसेस में है, DPR वगैरह 10-15-20 दिन में बोल रहे थे कि महीना मिल जाएगा, तो पहले अगर हम महीना भी माने अप्रूव होने में टाइम लगेगा नहीं, तो महीना 1.5 महीना के अंदर मुझे लगता है टेंडर फ्लोर पर आ जाना चाहिए, क्योंकि कोई कह देगा मुझे अब बन जाएगा ऐसा तो नहीं है, उसके तो प्रोसेस है, प्रक्रिया है। वैकल्पिक व्यवस्था, लेकिन फ्लाई ओवर कभी आ जाओ, उसके लिए जगह हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इतना मकान है, ये है बहुत सारा, उसके बाईपास से लेकर के बहुत से विकल्पों पर हम लोग विचार कर रहे हैं और बहुत से विचार हुए भी हैं। और मुझे लगता है कि धनबाद को जाम से निजात निश्चित रूप से मिल जाएगा। कितने अच्छे अधिकारियों का टीम है इन लोगों के नेतृत्व में, मुझे लगता है कि 6 महीना 1 साल के अंदर में पूरा का पूरा जाम से यहाँ का निश्चित रूप से समाधान। रेलवे को लेकर सर कुछ यहाँ पे समस्या उत्पन्न हो रही है? दो जगह सर रेलवे के जो भी समस्या है उसके लिए हम लोगों ने DRM को बुलाया, हमने चेतावनी भी दिया, आज मैं बोल भी रहा हूँ कि रेलवे कोई जमींदार नहीं है, जब चाहेगा अपना संविधान और कानून चलाएगा। सड़क के ऊपर अगर लाइन चल रहा है तो यानी कि नीचे सड़क का अधिकार भी है और परिवहन सेक्टर का ही वह भी एक यूनिट है, तो वह अगर बाया नया कर रहा है, उसके अधिकारी कर रहे हैं, तो या तो सुधरेंगे और नहीं तो सुधारे जाएंगे। इस मौके पर पूजा रत्नाकर भी अपने सोशल मीडिया टीम के साथ रविंद्र तिवारी से मिलने पहुंची और कहा कि सोशल मीडिया पर गया पुल जाम को लेकर जो मुहिम हम लोगों ने चलाई थी उसका संज्ञान केंद्र सरकार ने लिया है, जिसका हम लोग धन्यवाद देते हैं। साथ ही मांग करते हैं कि जल्द से काम को शुरू किया जाए ताकि धनबाद की जनता को जाम की समस्या से छुटकारा मिल सके। सड़क को लेकर क्या काम कर रही हैं अभी तक, क्या क्या यहाँ पर कठिनाइयाँ परेशानियाँ देखी? हाँ,
ये महमूदान बाद एक समूह हम लोगों ने बनाया, इस समूह का जन्म जैसे फेसबुक के माध्यम से। एक बार मैं जब उस पुल से क्रॉस कर रही थी तो एम्बुलेंस में किसी मरीज की जान निकल रही थी और वो मेरे नज़र के सामने वो मर गया। और मैं एक राइटर हूँ, ये बात मुझे ऐसी चुभी, उसके बाद मैं निरंतर लिखती गई, मेरी कलम रुकी नहीं है और निरंतर चलती रहेगी। खासकर गया पुल को लेकर हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन चलाया, हस्ताक्षर अभियान चलाया और अभी पोस्ट कार्ड अभियान चला रही हूँ जो पीएमओ तक जाएगा। हम लोग का मांग था कि जो गया पुल है उसका चौड़ीकरण और नया फ्लाईओवर, रिपेयरिंग नहीं, टेस्टिंग का कार्य नहीं, हम लोग को नया फ्लाईओवर चाहिए। इस मांग को लेकर हम लोगों ने लेटर लिखा, पहले डीसी साहब को यहाँ हम लोगों ने दिया, उसके बाद फिर उसका प्रतिलिपि विभिन्न विभागों में गडकरी साहब को दिए और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ गडकरी साहब के, कि हम लोग के आह्वान पे उन्होंने संज्ञान लिया और शीघ्र अतिशीघ्र मुझे लगता है कि गया पुल का अंडरपास तो मिल ही गया है, आपके माध्यम से मैं बता दूँ मिल गया है, नया फ्लाईओवर भी हमें मिल जाएगा, जैसा कि अभी डीटीओ साहब और अन्य पदाधिकारीगण से पता चला है। तो ये हमारी जाम की समस्या से धनबाद को मुक्ति मिलेगी। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं ये अवश्य बोलना चाहूँगी कि धनबाद की जनता के लिए कि भारत सरकार और राज्य सरकार और हमारे जो पदाधिकारी हैं, इन पर उंगली उठाने से पहले एक बार अपने गरीबान में झांक कर देखो कि हमारी गलती कहाँ है, हम क्या गलती कर रहे हैं, धनबाद का विकास आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है। तो हमें अपनी भी, जो हमारे एक नागरिक होने का जो आपका फर्ज है, वो